दोस्तों, आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ प्याज का पराठा। तो मैंने प्याज छील के काट लिया है। अब इसको चॉपर में डाल के छोटे 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 कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। दाल मैंने रखी थी चढ़ाने के लिए, सुबह का मेरा रूटीन है। तो ये चॉप हो गए हैं प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अपने ब्लॉग में मैं सुबह के शाम में क्या बनाती हूँ यही दिखाना चाहती हूँ, मैं आप सबको शेयर करना चाहती हूँ। दाल को मैंने गला दिया। अब ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है जो मैं आज यूज करूँगी। मिर्चा, प्याज, दाल डाल दिए हैं, दाल को चढ़ा दिए हैं। अब इसमें तेल डाल दिए हैं, हींग जीरा से तड़का लगाएंगे। जीरा तड़क गया है, अब इसमें प्याज डाल के अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें चाट मसाला, अमचूर पाउडर, हल्दी, सब्जी मसाला मिक्स कर देंगे। धनिया पाउडर मिक्स करके भून लेंगे और थोड़ी देर ढककर पकाएंगे 2 मिनट नमक डाल के। इसको पकने के बाद नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी डाल के आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद पूरी पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है। ये मसाला तैयार हो गया भरने के लिए। अब कचौड़ी का आटा लेंगे। आटा थोड़ा सा रोटी के आटे से मुलायम होना चाहिए। उसमें भर के और बनाएंगे पराठा। बेल लिए हैं को तवे में डालेंगे। तवे में डल गया है, उसको अभी पलट के उसमें तेल लगाएंगे। मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आपको जो यूज करना हो करिए। सरसों के तेल में भी बड़ा टेस्टी लगता है पराठा। ठंडी में ऑयल ही यूज करना चाहिए ज़्यादातर। देखिए कितना फूले फूले करारे पराठे बन रहे हैं। मैं दूसरा भी दिखा दे रही हूँ बना के। भर के इसको अच्छे से भर के बांध के बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको सेंक लेंगे। तब पक गया है, तेल लगा देंगे। तेल लगा दूसरी तरफ भी अच्छे से सेंक लेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मैं आपके लिए अच्छी नई नई रोज़ की रूटीन की रेसिपी ला के बना के दिखा सकूं। कमेंट करिए आप क्या देखना है, आपको क्या रेसिपी बनानी चाहिए। मैं बनाऊंगी जैसे जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरह अपने स्टाइल में बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए पराठा बन के तैयार है। ये लंच का रूटीन था, अभी चावल मैं रखने जा रही हूँ, पक जाएगा। और ये सुबह के लंच तैयार हो गया है। तो आइए आप लोग भी नाश्ता की लंच कीजिए।